अधिकारी लोकेश मीणा पूरे समय लोगों की पीड़ा कम करने और उनके पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए कृत संकल्प दिखाई देते हैं। वे हर उस आदमी के साथ हैं जिसे पुलिस पर भरोसा है, जो पुलिस के पास आशा लेकर आया है। अपनी सुरक्षा की, न्याय की, लोकेश मीणा नादोती के मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर पुलिस सेवा में इस पद पर पहुंचे हैं, लेकिन आज भी उनके पैर जमीन पर हैं और हौसले आसमान पर। आज भी आम आदमी की सुरक्षा और उसमें आत्मविश्वास की लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अपनी सेवा के जरिए, अपने सरोकार के जरिए और अपने संकल्प के जरिए हमारे संवाददाता चरण सिंह चौधरी ने जानने की कोशिश की और टटोलने की कोशिश की उनके इस पहलू को, जिसे लोग अब तक अनभिज्ञ थे। कुछ उनके व्यक्तिगत सवाल तो कुछ उनके पुलिस सेवा से जुड़ी बातें सीधी आपके लिए। आज हम जानना चाह रहे हैं कि आप किस वर्ष के अधिकारी हैं। 2013 में हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला, हमारी ज्वाइनिंग है 2017, बेसिकली हम 2017 बैच के। सर, आपके पैतृक निवास एवं पारिवारिक ट्रस्ट भूमि के बारे में कुछ। मेरा मूलतः गांव है, एक छोटा सा गांव है तलपुरा, नादोती तहसील करौली में आता है। मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में LDC, क्योंकि नौकरी की वजह से मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो दौसा जिले से हुई, हेडक्वार्टर से 12th तक मैंने वहाँ से शिक्षा लिया। उसके बाद में अलग अलग जगह कंपटीशन की तैयारी के लिए, कॉलेज के लिए कोटा, जयपुर, दिल्ली वहाँ तक जाना हुआ, तक दिल्ली से तैयारी की सिविल सर्विसेज की, उसके बाद में ये पुलिस सेवा। पुलिस सेवा में कार्य करने का विचार आपको क्यों है? पुलिस सेवा में कार्य करने का ऐसा कोई ऐसा प्राइमरी ध्येय नहीं था, पर जैसे जैसे समझदार होते गए, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, तो उस दौरान जानने को मिला कि एक पुलिस अधिकारी कैसे त्वरित न्याय जनता के साथ कर सकते हैं। कई मामले होते हैं जिसमें हमें खुद को हम पीड़ित होते हैं, तो लोगों को किस तरह की उम्मीद, उस पीड़ा के टाइम हम इस चीज का एहसास कर पाते हैं कि पुलिस से कैसी उम्मीद चाहिए और एक अच्छा अधिकारी लोगों को कितना सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि पुलिस अधिकारी बनके दूसरी सेवाओं के बजाय लोगों को ज्यादा त्वरित और अच्छा न्याय दे सकते हैं। साथ में इस सेवा में अलग अलग तरह के चैलेंजेज हैं, कार्यशैली वर्किंग में बहुत हर दिन नया एक्सपीरियंस मिलता है, नए चैलेंजेस मिलते हैं, तो काम करने का एक डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से मन लगा रहता है और हर नए काम को, नए चैलेंज को पार पाके संतुष्टि का भाव। सर, पुलिस लाइफ में क्या क्या कठिनाई है? पुलिस की लाइफ में सबसे पहली कठिनाई तो मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं हमारी जो पारिवारिक एक आइडेंटिटी के रूप में जो मैं आम इंसान हूँ, उस जीवन को जीने में वो हमारी प्राथमिकता नहीं बन जाती। जब जिस दिन हम एक पुलिस अधिकारी बनते हैं तो पहली प्राथमिकता डिपार्टमेंट के प्रति हो जाती है, परिवार को हम कहीं ना कहीं उतना समय